हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इनफॉर्मर नीतेश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 9th 10th मैथ्स के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो कि आप सभी लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। पूरा एनालिसिस करके मैं लेके वीडियो आ चुका हूँ, पूरा जो डाटा था वो मैं आप सभी लोगों के लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बात और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जो लोग कह रहे थे कट ऑफ कम जाएगा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी आज के इस वीडियो में, और उन लोगों को जो है कि हमारी बात कड़वी लगेगी, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूँ इस बार सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन देखने को मिला है 9th 10th मैथ्स में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इस बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन किस में, 9th 10th में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बावजूद अगर जो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा और मतलब पेपर का लेवल अच्छा था कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, तो वो लोग मूर्ख है, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन एक सीट के ऊपर आप सभी लोगों का जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है 9th 10th में सबसे ज़्यादा है। इसी कारण जो है कि आप सभी लोगों के कट ऑफ में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे और फाइनल मेरिट में भी जो है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं कितना क्या जो है कि कंपटीशन है एक सीट के ऊपर। वैसे हम लोग पेपर के लेवल के बारे में बात करें तो आप सभी लोगों का जो पेपर का जो लेवल था उसको मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर मॉडरेट लेवल का नहीं था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे GS पेपर में भी जो कि घुमाने वाले थे, और मैं ऐसे जो आपके 80 नंबर का पेपर था इसमें भी 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि घुमाने वाले थे, और जिस भी कैंडिडेट को घुमाने वाले क्वेश्चन जो कि अधिकतर कैंडिडेट के गलत हुए GS में हो या फिर लैंग्वेज अपने सब्जेक्ट पेपर में, उनके ही स्कोर अच्छे गए जिनके क्वेश्चन सही हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टेंशन में आने के बाद देखिए हुआ ये कि हम लोग ये देखेगा कि पेपर बहुत टफ टाइप का आएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट सिली क्वेश्चन पूछ दिए गए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछ दिए गए, तो वहाँ पर जो कैंडिडेट है उन्हें लगा कि नहीं पेपर तो बहुत ईजी है, और वो लोग डायरेक्ट रंगते चले गए बिना पढ़ने से, ठीक है। और जो अगर हम लोगों ने वहाँ पर नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, इसी कारण जो है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो कि हमारे गलत नहीं होने चाहिए थे, जिससे कारण जो है कि आप सभी लोगों का जो स्कोर है थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है अधिकतर कैंडिडेट। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 100+ भी स्कोर है, तो उन्हें लग रहा है 100+ कट ऑफ जाएगा, जिनका कट ऑफ जिनका मार्क्स जो है कि 100 से नीचे आ रहा है उन लोगों को लग रहा है कि 100 के नीचे कट ऑफ जाएगा। बट मैं आप सभी लोगों के लिए एक्चुअल डाटा लेके आ चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर आप सभी लोग यहाँ पर देखते हैं तो इस बार ऑल ओवर जो वैकेंसीज है वो भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी है 2030, जिसमें से 1305 वैकेंसी 1305 वैकेंसी मेल की है और 725 वैकेंसी फीमेल की है, यानी कि 33-34% जो है कि फीमेल का यहाँ पर रिजर्व आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि टोटल वैकेंसी मेल की 2030 है और फीमेल की 725 है, वो लोग मूर्ख है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सभी लोगों को मैंने यहीं पर बता दिया है, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अब नहीं बोलिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलने लगते हैं, मुझे सिखाने लगते हैं कि नहीं टोटल वैकेंसी 2030 है, आपको नहीं पता ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके लिए मैंने इसका भी कंफर्मेशन यहाँ पर दे दिया है। इस बार TRA 3.0 में वही कैंडिडेट बैठेंगे जो स्टेट 19 वाला स्टेट और 23 वाले स्टेट में पास हुए होंगे, बट TRA 1 और TRA 2 में बेचारे फेल हो गए होंगे किसी ना किसी कारण से, वही लोग TRA 3.0 का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं अगर हम लोग बात करें स्टेट 2019 के बारे में, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा टोटल 9287 कैंडिडेट पास हुए थे, जिसमें से 4480 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे TRA 1.0 में से, इसमें से 4708 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाए थे बट इनका स्टेट था। आगे बात करें 2023 में स्टेट पास किए 52447 कैंडिडेट स्टेट पास किए हैं, जिसमें से जो है कि 3115 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए TRE 2.0 में, तो कितने कैंडिडेट बचते हैं, तो 49332 कैंडिडेट जो है कि बचते हैं कैसे, जो कि TRE 2.0 में बाहर हुए जिनका स्टेट क्लियर था, तो 49,000 ये और 4807 कैंडिडेट ही हो गए, टोटल हो गए आप सभी लोगों के 54,139 के आसपास जो है कि आप सभी लोग कैंडिडेट बचते हैं। मान लेते हैं हम लोग 54,000 में से 52,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा, 2,000 कैंडिडेट मान लेते हैं कि जिनका एज क्वालिफाई हो गया होगा, एज बाहर हो गया होगा, या फिर किसी कारण से नहीं भरा होगा और प्रिपरेशन नहीं था, और क्या कहते हैं कि उनका प्रिपरेशन नहीं हो और अपना अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करना चाहते, इसके लिए अगर उन्होंने अगर फॉर्म नहीं भरा तो 2,000 कैंडिडेट को हम लोग बाहर लेके चलते हैं। और अगर आप सभी लोग 52,000 को भी अगर 2030 से डिवाइड देते हैं, तो मैं आपको बता दूं एक सीट के ऊपर जो कंपटीशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा 25.61 इतना कंपटीशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक सीट के ऊपर 25 के आसपास से कंपटीशन आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है मैथ्स के अंदर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो कट ऑफ कैलकुलेट होता है आप सभी लोगों का ये रहता है नंबर ऑफ वैकेंसीज
नंबर ऑफ सीट और कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया इसके ऊपर कट ऑफ कैलकुलेट होता है। उसके बाद पेपर का लेवल अगर अच्छा रहेगा यानी कि ठीक ठाक टफ लेवल का रहेगा तो आपका कट ऑफ डाउन जाएगा। पेपर का लेवल अगर मॉडरेट रहता है तो आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने आप सभी लोगों का जो बताया कि आप सभी लोगों का जो पेपर का लेवल देखे तो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। कंपटीशन में एक सीट के ऊपर 26 कैंडिडेट बैठ रहे हैं यानी कि आपका नहीं हुआ तो आपके पीछे सिलेक्शन लेने वाला जॉब लेने वाला 25 और कैंडिडेट बैठा होगा पीछे पीछे कि हाँ मेरा हो जाए तो मेरा हो जाए। ठीक है, तो मैं आपके सभी लोगों को बता दूँ जो लोग भ्रम में थे कि हाँ का मैथ्स में इजी है सिलेक्शन लेना वगैरह वगैरह, तो मैं उनको बता दूँ इस बार का जो आप सभी लोग कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ही टफ देखने को मिलेगा 9th-10th मैथ्स का। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग बात करें कट ऑफ के बारे में कट ऑफ कितना जा सकता है आप सभी लोगों का, तो मैं आपको बता दूँ यूआर का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों का ये 100 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं जो बता रहा हूँ वही के आसपास आप सभी लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि 5 नंबर ज़्यादा 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2-3 नंबर अगर आप सभी लोग इससे ज़्यादा या फिर कम है तो आप सभी लोग एक सेफ जोन में है। ठीक है, यू आर फीमेल का आप सभी लोगों का 91 के आसपास देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की EWS, EWS का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों को 93 के आसपास देखने को मिलेगा। EWS फीमेल का जो कट ऑफ है 80 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की BC का मैं आप सभी लोगों को बता दूँ BC का जो कट ऑफ है 95 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। BC फीमेल का जो कट ऑफ है 82 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की EBC का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों का ये जो है कि 82 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। कितने नंबर के आसपास देखने को मिलेगा, 82 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ABC फीमेल का जो कट ऑफ है 76 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी है आप सभी लोगों की SC का जो कट ऑफ है 76 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। SC फीमेल का जो कट ऑफ है वो 59 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ST की बात करें तो ST का कट ऑफ 61 और ST फीमेल का जो कट ऑफ है 55 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को कट ऑफ बता दिया। अब जो लोग TRE 2.0 से कट ऑफ कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें एक बात खुल के बता दीजिएगा, पिछली बार 9th-10th मैथ्स में जो है कि अभी उसका डाटा नहीं है मेरे पास, 17 या 18 कैंडिडेट का ही कॉम्पिटिशन था। ठीक है, इस बार 25 कैंडिडेट का कंपटीशन है। इस बार पिछली बार के पेपर के लेवल में और इस बार के पेपर के लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो लोग आपको TRE 2.0 के बेसिस पर कट ऑफ बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहिए। जो एक्चुअल डाटा है एक्चुअल डाटा पर काम कीजिए। जो डाटा आप सभी लोगों को बताया गया आप सभी लोग डाटा चेक कर सकते हैं ऑफिशियली। मैं आपको इसका PDF जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर के इस PDF को चेक कर सकते हैं। जितनी मैंने वैकेंसी बताई है प्लस जितने कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास किए हैं State 1 में State 2 में, वो पूरा आप सभी लोग वहाँ पर डाटा देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको डाटा कम ज़्यादा बताया है और कंपटीशन आप सभी लोगों को ज़्यादा प्रूफ किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो डाटा में लिखा था वही मैंने आप सभी लोगों को बताया। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को डाउट हो रहा है किसी भी चीज़ में तो आप सभी लोग फर्दर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी लोगों को वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, और बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।